हिम वैली पब्लिक स्कूल बगला में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह मनाया गया। समारोह में सेवानिवृत्त खंड शिक्षा अधिकारी खेमचंद ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। समारोह के दौरान मेधावी छात्रों को मुख्य अतिथि के द्वारा इनाम देकर पुरस्कृत भी किया गया। आइए आपको भी दिखाते हैं समारोह से जुड़ी हुई कुछ झलकियाँ। जाता है, इससे सारी साल की जो बच्चे जो अध्ययन करते हैं, जो एक्टिविटीज करते हैं, संस्कृत कार्यक्रम करते हैं, खेल प्रतियोगिता करते हैं, इसमें जो है जिन बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है उनको इनाम दिए जाते हैं और इससे आगे के लिए जो है प्रोत्साहन जो है बच्चों को मिलता है। भविष्य ये हमारे देश का भविष्य है, इसको इसी तरह से जो है इस साल के लिए अभिभावक बनाए जाते हैं और उनके सामने जो है बच्चों को जो है बताया जाता है कि आपके बच्चे के अंदर क्या कमी है और कैसे इसको पूरा करना है और अध्यापक क्या करते हैं। तो इसी तरह से जो है ये कार्यक्रम जो है प्रतिवर्ष जो है हरेक पाठशालाओं में जो है किया जाता है। आज हमारे स्कूल का वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि श्री खेमचंद ठाकुर जी, सेवानिवृत्त खंड शिक्षा अधिकारी हिमाचल प्रदेश, शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। और इसमें हमने बच्चों को 160 बच्चों को पुरस्कार वितरित किए और मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ उन पेरेंट्स को जिनके बच्चों ने इसमें पुरस्कार प्राप्त किया, और जिन बच्चों ने नहीं लिया मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि वो आगे के लिए मेहनत करें और अच्छे पुरस्कार आगे अगले समारोह में अपने आप का पुरस्कार जो सुरक्षित करें।